नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वायरल सच। स्वागत है आपका अब तक की बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, धरती से पहले आसमान में हर दिन मन रही दिवाली की अक्टूबर को दिखेगा आतिशबाजी का शानदार नजारा। जी हां, देश में दिवाली की धूम शुरू होने में कुछ दिन ही बाकी हैं, लेकिन आकाश में इन दिनों हर रात प्रकृति दिवाली मना रही है और यूनिट उल्कापात से आकाश में चमकीली रोशनी बिखर रही है। वहीं नेक्स्ट अपडेट, एम्स के नर्सिंग यूनियन की हड़ताल जारी, आज करेगी केंद्रीय सरकार मंत्री के आवास तक पैदल मार्च। जी हां, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के नर्सिंग कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। मंगलवार को नर्सिंग यूनियन के पदाधिकारी क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे। विभिन्न मांगों को लेकर ये कर्मचारी दो दिन से एम्स प्रबंधक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं नेक्स्ट अपडेट, उत्तराखंड प्रदेश में खुलेंगे 5 नए केंद्रीय विद्यालय, एचआरडी मंत्री निशंक ने दिए आदेश। जी हां, प्रदेश में जल्दी 5 नए केंद्रीय विद्यालय अस्तित्व में आएंगे। इस बात पर केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने CBSE, NIT, JNB, KVS, NIOS, IGNOU के अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव को जमीन उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रणनीति भी तय की। वहीं नेक्स्ट अपडेट, केजरीवाल आज करेंगे AK ऐप लॉन्च, भरेंगे कार्यकर्ताओं में दिल्ली को दोबारा फतेह करने का उत्साह। जी हां, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल AK ऐप के जरिए आम आदमी पार्टी आप कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कायम करेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आपके लिए ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केजरीवाल इस दौरान अपने कार्यकर्ताओं में दिल्ली को दोबारा फतेह करने का उत्साह भी भरेंगे। वहीं नेक्स्ट अपडेट, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी चिन्मय आनंद की रिमांड पेशी। जी हां, छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद चिन्मय आनंद की रिमांड पेशी बुधवार को होगी। समझा जा रहा है कि उनकी भी रिमांड पेशी सुरक्षा के लिहाज से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। 20 सितंबर से जेल में बंद चिन्मय आनंद की रिमांड पेशी इससे पहले 3 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। वहीं नेक्स्ट अपडेट, कश्मीर पर पाक का साथ देने वाले देशों के खिलाफ बड़ी कूटनीतिक तैयारी। जी हां, कश्मीर मामले में पाकिस्तान का साथ देने वाले देशों मलेशिया, तुर्की और ईरान को झटका देने के लिए भारत बड़ी कूटनीतिक तैयारी कर रहा है। भारत ने खाद्य तेल आयात पर मलेशिया की जगह इंडोनेशिया को ज्यादा महत्व देने तो तुर्की के खिलाफ अमेरिकी मुहिम को परोक्ष रूप से समर्थन करने का फैसला किया है। वहीं ईरान के इस मामले में दोनों देशों के बीच बैकडोर कूटनीतिक चैनल से लगातार बातचीत हो रही है। वहीं नेक्स्ट अपडेट, महाराष्ट्र में बिखरी और लड़खड़ाती कांग्रेस क्या पहले ही हथियार डाल चुकी है। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा में 3 दर्जन विधायक भेजने वाली मुंबई में अगर एक कोने से दूसरे कोने तक घूम आइए तो ऐसा नजर आता है कि शायद यहां सिर्फ भाजपा शिवसेना गठबंधन अकेला ही चुनाव लड़ रहा है। मुंबई हवाई अड्डे से दक्षिण मुंबई जाइए या दक्षिण मुंबई से पूरा शहर घूम के आइए, उपनगर ठाणे तक जाने पर सड़कों और चौराहों पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के फोटो होर्डिंग दिखाई देते हैं। वहीं नेक्स्ट अपडेट, सरकारी फंड से नहीं, अब अपने पूर्व छात्रों के दान से चलेगी IIT। जी हां, IIT जब सरकार के रहमो करम पर नहीं चलेगी, IIT अपने पूर्व छात्रों से एलुमनाई फंड के रूप में पैसे लेगी। इसी पैसे को इंडाउनमेंट योजना के तहत बैंक में जमा किया जाएगा। बैंक में जमा पैसे से मिलने वाले ब्याज से IIT अपने खर्चे पूरे करेगी। इस योजना को इंडाउनमेंट का नाम दिया जाएगा। IIT दिल्ली ने इस योजना में 2025 तक 7,000 करोड़ रुपए जमा करने का लक्ष्य रखा है। वहीं नेक्स्ट अपडेट, जल्द आएगी फेसबुक की डिजिटल करेंसी लिब्रा, मिलेगा कमाई का मौका। जी हां, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने पिछले दिनों अपनी डिजिटल करेंसी लिब्रा लॉन्च करने की घोषणा की थी। फेसबुक का दावा है कि लिब्रा को न केवल ग्लोबली इस्तेमाल किया जाएगा बल्कि इसे ई कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा और विज्ञापनों के जरिए ज्यादा कमाई के मौके भी मिलेंगे। वहीं नेक्स्ट अपडेट, मोटरसाइकिल में रखा था देसी बम, विस्फोट में पुलिसकर्मी की मौत, 10 लोग घायल। जी हां, पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी केटना में मंगलवार को अज्ञात आतंकवादियों द्वारा किए गए विस्फोट से एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और 10 अन्य लोग घायल हो गए। केटा पुलिस के उप महानिरीक्षक अब्दुल रजाक चीमा ने समाचार एजेंसी सिन्हुआ से कहा कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आतंकवादियों ने उस समय विस्फोट किया जब पुलिस वाहन शहर से नियमित गश्त के लिए वहां से गुजर रहा था। वहीं नेक्स्ट अपडेट, भारत ने अफगानिस्तान को दिए 2 ताकतवर हेलीकॉप्टर जो युद्ध में दुश्मनों को बनाते हैं काल। जी हां, भारत ने अफगानिस्तान को 2 MiG-24V गनशिप हेलीकॉप्टर काबुल में आयोजित एक समारोह में सौंप दिए। ये हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री रसदुल्ला खालिद को भारतीय राजदूत विनय कुमार ने सौंपे। वहीं नेक्स्ट अपडेट, दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, सेना ने 2-3 आतंकियों को घेरा। जी हां, दक्षिण कश्मीर के बिजवाड़ा के पजलपुरा में सुबह 6 बजे सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सेना और CRPF के जवानों का ये संयुक्त ऑपरेशन है। 2-3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है। ये आतंकी मकान में छुपे हैं। तड़के 3 बजे के करीब सेना को इन आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली। इससे पहले सोमवार को शोपिया इलाके में सिंधु सेरमल में आतंकवादियों ने राजस्थान के ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद दक्षिण कश्मीर में दहशत का माहौल पैदा हो गया। स्थानीय लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा की। वहीं नेक्स्ट अपडेट, PM मोदी की महाराष्ट्र में आज 3 रैलियां, अमित शाह हरियाणा में 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। जी हां, हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 के प्रचार में जुड़े PM मोदी और BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को एक बार फिर अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने जनता के बीच आएंगे। PM मोदी जहां महाराष्ट्र में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे,
वहीं अमित शाह हरियाणा में 4 चुनावी रैलियों को करेंगे। महाराष्ट्र को अकोला, परतूत और पर्नवेल में आज पीएम मोदी की चुनावी होनी है। वहीं नेक्स्ट अपडेट, अगले साल भारत की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी, 7% हो जाएगी विकास दर। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसंधान उपनिदेशक ज्ञान मारिया मेलेसी फेरेटी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर अनुमान को हालांकि घटाकर 6% कर दिया गया है, लेकिन वैश्विक मानकों से यह फिर भी काफी मजबूत है। फेरेटी और IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपनीय ने भारत के लिए आशावादी नजरिया रखते हुए वाशिंगटन में IMF की वैश्विक आर्थिक आउटलुक की रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि अगले साल भारत की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी। वही नेक्स्ट अपडेट, बर्फीली पहाड़ियों की सैन्य चौकियों पर लगेंगे 100 हीटर। जी हाँ, बर्फ से ढके पहाड़ों पर तैनात जवानों के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले हीटर लगाए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार हिमालय क्षेत्र की बर्फीली पहाड़ियों पर तैनात सैनिकों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की तैयारी कर रही है। इससे जवानों को सौर ऊर्जा के जरिए बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी। वहीं नेक्स्ट अपडेट, बालाकोट हमले पर बोले राजनाथ सिंह, अगर हमारे पास राफेल विमान होता। जी हाँ, आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि अगर हमारे पास पहले से ही राफेल युद्धक विमान होते तो भारतीय वायुसेना को आतंकी शिविरों को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान के बालाकोट में घुसने की जरूरत नहीं होती। मुंबई के पास ठाणे जिले के मीरा भाईंदर ने भाजपा उम्मीदवार नरेंद्र मेहता के पक्ष में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सिंह ने हाल ही में फ्रांस में पहले राफेल जेट प्राप्त करते समय शस्त्र पूजा करने का बचाव किया। वहीं नेक्स्ट अपडेट, करवा चौथ से पहले सोने चांदी के दामों में आई जबरदस्त तेजी, जाने आज कब भाव। जी हाँ, करवा चौथ, दिवाली और धनतेरस से पहले जेवराती मांग आने से दिल्ली सराफा बाजार में सोना मंगलवार को 200 रुपये चमक कर 39,570 रुपये प्रति 10 ग्राम पर और चांदी 450 रुपये छलांग लगाकर करीब एक सप्ताह के उच्चतम स्तर 47,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।